आज हम चैप्टर टू का रिवीजन करने चल रहे हैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू, और भी इसके कोशिश करेंगे इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। इस चैप्टर का रिवीजन हो सकता है तीन पार्ट्स में आपको मिले। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फोर हम डिस्कस करेंगे, एक्सपेंड दिस। वी नो दैट आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। हमारे पास जो क्वेश्चन है, वी कैन राइट दिस ए बाय टू प्लस माइनस बी बाय थ्री प्लस वन। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ए बाय टू का स्क्वायर प्लस माइनस बी बाय थ्री का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स टू ए। ए का मतलब ए बाय टू बी माइनस बी बाय थ्री प्लस टू माइनस बी बाय थ्री इंटू वन प्लस टू इंटू वन इंटू ए बाई टू। क्लियर स्टूडेंट्स? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। हम इजी वे में सॉल्व करेंगे। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, टू टू कैंसिल और यहां से ये टू कैंसिल, तो दिस रिजल्ट्स ऑब्टेन ए स्क्वायर बाई फोर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन नाइन, वन का स्क्वायर वन प्लस माइनस माइनस ए बी अपॉन थ्री, और ये आ जाएगा माइनस टू बी अपॉन थ्री और प्लस ए। ये इसका एक्सपेंड फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स, आसानी से हमने एक्सपेंड कर लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री पे, आपको इसको फैक्टराइज करना है। देखिएगा यहां पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं दोनों। फैक्टराइज, फैक्टराइजेशन आप लोग गो ये वैसे देखा जाए क्लास एट्थ लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आएगा। वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए इक्वल टू वन, यहां माइनस हम कॉमन ले लें, अंदर सारे साइन क्या हो जाएंगे प्लस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए। अब इसको लिख सकते हैं वन का स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज द ए दिस इज द बी इक्वल टू ए, ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, वन प्लस ए प्लस बी और वन माइनस सॉरी वन माइनस ए माइनस बी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू। ये आपको देखने में बहुत हैवी क्वेश्चन लग रहा होगा, बट हैवी है नहीं। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहां पर अप्लाइड होगा रिमाइंडर थ्योरम। ये पॉलिनोमियल हमारे पास है, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स माइनस फोर्टीन। इसका फैक्टर एक्स माइनस वन है, यानी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या होगा वन। देखिए अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अगर ये इसका सॉरी फैक्टर थ्योरम, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए, क्या आना चाहिए जीरो,
स्टूडेंट्स जीरो, तो टू इंटू वन का क्यूब प्लस एम इंटू वन का स्क्वायर एन इंटू वन माइनस 14 इक्वल टू जीरो, वन का क्यूब वन, ये टू आ जाएगा प्लस एम आ जाएगा प्लस एन आ जाएगा माइनस 14 इक्वल टू जीरो, एम प्लस एन माइनस 12 इक्वल टू जीरो, यहां से एम की वैल्यू निकाल लीजिए 12 माइनस एन, क्लियर है। अब देखिए इसका फैक्टर एक्स प्लस टू है, यानी एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो पी ऑफ माइनस टू भी क्या आना चाहिए, फैक्टर होने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर का आपको पता ही है, देखिएगा पी माइनस टू टू इंटू माइनस टू का क्यूब प्लस एम माइनस टू का स्क्वायर एन माइनस टू माइनस 14 इक्वल टू जीरो, माइनस टू का क्यूब माइनस 8 टू जा माइनस 16 प्लस 4m माइनस 2n माइनस 14 इक्वल टू जीरो, 4m माइनस 2n माइनस 30 इक्वल टू जीरो, देखिए 2 कॉमन है, 2m माइनस n, यहां से n की वैल्यू निकालने है तो ज्यादा आसान होगा, n इक्वल टू 12 माइनस m माइनस 15 इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा 2m माइनस n माइनस 15 इक्वल टू जीरो, यहां तक सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा ये n की वैल्यू यहां पे हम पुट कर देते हैं, स्पेस नहीं है इसलिए हम यहां पे इसको हटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए स्टूडेंट्स, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम रखेंगे सामने, देखिए हमारे पास है 2m माइनस n, n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 12 माइनस m माइनस 15 इक्वल टू जीरो, 2m माइनस 12 माइनस माइनस प्लस m माइनस 15 इक्वल टू जीरो, 2m प्लस m 3m माइनस 12 माइनस 15 माइनस 27, 3m इक्वल टू 27, m इक्वल टू 9, m की वैल्यू क्या आ गई 9, और यहां पर आपके पास है n की वैल्यू निकालना है तो निकल जाएगी, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12, n इक्वल टू 12 माइनस m, 12 माइनस m की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स 9, n इक्वल टू 12 माइनस 9 3, ये m और n की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, बड़ा इसको वीडियो को रोक के देखिएगा कायदे से तब समझ जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 1, सेम क्वेश्चन है, अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स जीरो आना चाहिए, देखिए x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस 1, रिमाइंडर क्या आएगा जीरो, पी ऑफ माइनस 1 इक्वल टू जीरो, के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2, एक्स की वैल्यू माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू जीरो, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस रूट 2, और ये आपका आ गया प्लस 2, के इक्वल टू माइनस 2 माइनस रूट 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ के, ये के की क्या आ गई वैल्यू आ गई, देखिए क्या किया हमने, x प्लस 1 इसका फैक्टर था, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर फैक्टर थे, और हम रिमाइंडर क्या आना चाहिए जीरो, रिमाइंडर p माइनस 1 आएगा क्योंकि x प्लस 1 बराबर जीरो, x बराबर माइनस 1, एक्स जगह माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स किया माइनस 1 माइनस माइनस प्लस रूट 2, और प्लस 2 इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू माइनस 2 माइनस रूट 2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फैक्टराइज 2x-3y का होल क्यूब प्लस 3y-4z का होल क्यूब प्लस 4z-2x का होल क्यूब। ये क्वेश्चन देखा जाए तो आप लोग को देखने में बड़ा टफ लग रहा होगा, बट है नहीं। सपोज दैट दिस इज ए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। आपको एक आइडेंटिटी बताई गई है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। ठीक है, देखिएगा a प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू 2x-3y, बी की वैल्यू 3y-4z, सी की वैल्यू 4z-2x। देखिएगा 2x 2x, 3y 3y, 4z 4z इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। देयरफोर 2x-3y का क्यूब प्लस 3y-4z का क्यूब प्लस 4z-2x का क्यूब इक्वल टू स्टूडेंट्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3a। ए का मतलब 2x-3y, बी 3y-4z इंटू सी 4z-2x। देखिए कितने आसानी से इसका आंसर आ गया, 2x-3y का क्यूब प्लस 3y-4z का क्यूब प्लस 4z-2x क्यूब इक्वल टू 3, 2x-3y इंटू 3y-4z इंटू 4z-2x। हाँ स्टूडेंट्स, इस आइडेंटिटी के बारे में एक चीज बता दूं, इस आइडेंटिटी पे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे जैसे आता हो जरूर आता है। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है और इसको आपने कई बार प्रॉब्लम्स में पूछा है। देखिए मैथ्स में एक चीज और बता दें, किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका एक से अधिक हो सकता है, अगर एक ही सोल्यूशन दो तीन तरीके से, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसको यूज करते हैं जैसे वेरीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट हम यूज कर सकते हैं, वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। यह आइडेंटिटी हमें जानते हैं। अब क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूरे में क्या कॉमन स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वाई, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा, एक तरीका तो आपका यही है। ये फर्स्ट पार्ट था, ऐसे ही अगर हमें सेकेंड पार्ट करना है तो भी हमें केवल साइन का ही ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या होगा, ये देखिएगा, वी नो दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। यहां आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये माइनस यहां के प्लस हो जाएगा, यहां एक्स माइनस देखिए प्लस 3xy एक्स माइनस वाई। फिर देखिएगा एक्स माइनस वाई हमने पूरे में क्या किया स्टूडेंट्स, कॉमन ले लिया। सेम क्वेश्चन है, यहां एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस
थ्री एक्स वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई, और ये फाइनली आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये आपका आ जाएगा सेकेंड पार्ट भी इस तरीके सॉल्व हो जाएगा। और आप दूसरी तरीके से अगर चाहते हैं वो भी वेरीफाई कर सकते हैं, वो भी एनएचएस लेकर के और आरएचएस लेकर के, मैं उसमें एक पार्ट डिस्कस कर दे रहा हूं, दूसरा आप सेल्फ कर लीजिएगा। जैसे सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट आपका है आरएचएस लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, आरएचएस एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस वाई का इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर आपका माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, देखिए एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, आपका आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दिस इज द एनएचएस। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने आपके सामने पांच क्वेश्चन को सॉल्व किया है लगभग, और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के रिवीजन के तीन पार्ट्स में वीडियोज मिलेंगी आपको, कंटिन्यू मिलेंगी, डेली मिलेंगी, और आप रिवीजन करके चैप्टर टू प्रिपेयर कर लीजिए स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के लिए इतना ही।